नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया की खास रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं नेहा परिहार। खबर ऐसी कि देखने वाले की भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। खबर का ताल्लुक यूपी के मिर्जापुर से है, जहां खुशियां उस वक्त मातम में तब्दील हो गई जब लड़की की विदाई के दिन ही घर के 3 बच्चे गायब हो गए। दूसरे दिन इन बच्चों की लाश गाँव के पास मिली। इसके बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया। रिपोर्ट देखिए। महाराज के सूबे में अर्थ का अनर्थ हो गया, क्योंकि महाराज मुंबई के दौरे पर थे और यूपी के जंगल राज में अपराधियों के हौसले उड़ान भर रहे थे। जंगल राज के इस दौर में मिर्जापुर 2 की जगह मिर्जापुर 3 बन चुकी थी, क्योंकि 3 बच्चों की निर्मम हत्या से शहर का कोना कोना दहल रहा था। तीनों बच्चों की हत्या की खौफनाक कहानी भी कुछ ऐसे अंजाम में लिखी गई थी कि देखने और सुनने वालों की भी रूह कांप गई। बच्चे हैं, यूपी परिवार के बच्चे हैं, कजिन हैं आपस में। ये परसों दोपहर को अपने घर से निकले थे, ये नहीं पहुंचे। इनकी खोजबीन शुरू की गई थी। कल शाम को इनकी तीनों की डेड बॉडी सामने जो आग बनी थी देखने को मिली। कपड़े इनके पास पड़े मेरे छके मिले थे। तीनों को पोस्टमार्टम कराया गया है, कुछ चोटें उनके हैं। क्या में मुकदमा कायम किया जा रहा है। खबर का ताल्लुक मिर्जापुर से है, जब शहर की अफसरशाही रात के अंधेरे में खर्रांटे भर रही थी, जब तीनों मासूमों की मौत की कहानी लिखी जा रही थी। अब जरा इस खौफनाक कहानी का सार समझिए। मिर्जापुर जिले के थाना मनकापुर में 3 मासूम बच्चे बेर खाने के लिए घर से निकले, लेकिन शहर के गुनहगारों ने उनके वापस आने की जिंदगी ही छीन ली। बच्चों के परिजन उनकी तलाश में दर दर भटकते रहे, लेकिन शहर की पुलिस अपनी मस्ती में मस्त रही। बच्चों की दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई। बाद में उनकी आंखें तक निकाल ली गई, लेकिन पुलिस की आंख फिर भी नहीं खुली। हत्या के बाद जब तीनों बच्चों की तलाश की गई, तो पुलिस को तीनों बच्चों की लाश एक साथ पड़ी मिली। तीनों बच्चों की आंखें निकाले जाने की घटना से पुलिस भी दंग रह गई। घटना के बाद से ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस वालों से हम संपर्क किए, अब 1 घंटा बाद पुलिस वाले बुलाए हमें की आवाज उनका फला जगह। हम वहाँ गए तो सब निकलवाए उकलवाए। अच्छा, मतलब आप लोग पहुँचने पहले पुलिस पहुँचे। हाँ, आप पुलिस को सूचना कब दिए थे। सूचना हम दिया करीब करीब 12 आज 12 बजे, मतलब कल से गए थे, आज सूचना दिए थे आप लोग। नहीं, कुछ वैसे दिए रहे भाई, घूम है। हाँ हाँ, मतलब वही है ना, तमाम लड़कियाँ एक दिन ऐसे हर हर हो जाते रहे, तो जाना तरह नहीं। हाँ हाँ, कहीं हुई। अच्छा, कुछ सूचना दे रहे कि आज जो बात यह सूचना के हम लोग बहुत ही रहते ही पता नहीं लग रहा था। 1 घंटा पहले हमारे लगे गए ना, सारी बात हुआ करीब बाद। अब वहाँ जहाँ से बात हुआ वहाँ से हम घरे आवे थे, ये लोग तुरंत हमें फोन करते हैं कि आप यहाँ। अच्छा, तो क्या बॉडी पानी में पड़ा था कि बाहर, क्या चोट के निशान भी है। हाँ हाँ, चोट के निशान तो है ही, समनवा ले ले फोटो वही बाहर खुला ना बा। अच्छा, लंग खोल देते ही नहीं, सर जोन बा सर में चोट बहुत ज्यादा बा। हाँ, आँखी निकाली बा दोनों। हाँ हाँ, अब फिगरे बाद सीना में, बोरी में, गर्दना में पूरा मारा। बच्चों की मौत पर मरहम लगाने के लिए शहर की पुलिस भी जागी और सूबे के मुखिया ने भी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। सारे जो बच्चे अधिकारी हैं, अब तक अभियान करेंगे, आइए सब भी करेंगे, हम स्वयं भी रुकेंगे, सब नहीं हैं। और हमारा पूरा टीम है कि जितना और जल्दी हो सके केस का खुलासा हो, जो कल्प्रिट्स हैं, मुलजिम हैं, उनके खिलाफ सख्त हो, स्ट्रॉन्ग एक्शन हो। और मुझे विश्वास भी है कि जल्दी ही अनुसरता किसके नेतृत्व में सैटी है। ऐसा जो एक्टर की ऑपरेशन है वो उसी के प्रभारी बनाए गए हैं, जो उसमें 2 इंस्पेक्टर हैं, लालगंज का भी है, बंदाचक इंस्पेक्टर भी हैं, पार्टी प्रभारी राम स्वरूप भी है, भी हैं, ये तो डेडिकेटेड टीम होगा। जाहिर है आरोपियों की गिरफ्तारी भी होगी और सजा भी मिलेगी, लेकिन क्या इस सजा से बच्चों की जिंदगी वापस आ पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।